4:19 है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन आज शाम में हमसे इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हारी घटी कमियों को पूरा करूंगा। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जहां हम बहुत ज्यादा नीड में होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें किसी चीज की, और उस समय हम परेशान हो जाते हैं, उस समय हम टेंशन में आ जाते हैं, उस समय हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उसी समय हम बहुत सारे गलत कदमों को उठा लेते हैं, उसी समय हम अपने जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं, और जिसके कारण हम अपने जीवन में असफलताओं को देखते हैं या फिर बहुत सारी परेशानियों को हम न्योता दे देते हैं। मेरे प्रियो, जब भी हमारे जीवन में ऐसा समय आए जब हमें किसी चीज की जरूरत हो, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो हमारी जरूरत को क्या करता है, पूरा करता है। और बाइबल ये भी कहती है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। वो मांगने से पहले हमारी जरूरत को जानता है, उसे पता है इस व्यक्ति को क्या चाहिए और कब चाहिए। हमारा परमेश्वर यहोवा ईरे है, प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप अपने जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, चाहे आप कैसी भी जरूरत में क्यों ना हो, आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जरूरत में हो, अपने परमेश्वर यीशु मसीह को याद करें, उस पर भरोसा रखें, उससे कहें, वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। आइए हम सब लोग दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु सच में पिता परमेश्वर आप यहोवा ईरे हैं, प्रभु हमारे लिए उपाय करने वाले परमेश्वर, हमारे लिए प्रबंध करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु पिता परमेश्वर आप हमारी हर एक घटी कमी को पूरा करते हैं। प्रभु इस संसार में प्रभु हमें बहुत सी चीज़ों की जरूरत होती है प्रभु, और बहुत बार हमारे जीवन में घटी कमी होती है प्रभु, परंतु पिता हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो यहोवा ईरे है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है, घटी कमियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और आप ठीक समय पर हमारे लिए प्रबंध करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता उस बड़े काम के लिए जो ने हमारे जीवनों में किया है। प्रभु धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।